कल से आप यहीं पर है, किस तरीके का फीडबैक, बैठक, मीटिंग? देखिए, आज उम्मीदवार जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब लोग उनके साथ हैं। ये चुनाव किसी इंसान की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। इस देश में नई सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन इस 140 करोड़ के देश को चलाने वाले लोग होंगे, इसका निर्णय जनता को करना है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। मैं कल बाड़मेर आ गया था, सब लोगों से मैंने बात की है, सभी नेता, नौजवान, बुजुर्ग, हर श्रेणी के, हर वर्ग के लोग समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। और कांग्रेस ने सबसे सलाह करके, हो सकता है टिकट मांगने वाले बहुत लोग हों, लेकिन सबसे सलाह करने के बाद सबसे उपयुक्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझे लगता है कि एक साधारण पृष्ठभूमि के किसान परिवार से पार्टी ने टिकट दिया है, सब मिलकर चुनाव जिताएंगे, ना सिर्फ बाड़मेर में लेकिन राजस्थान के अंदर। इस बार बहुत बेहतर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। देश में जो सरकार 10 साल से चल रही है उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता देखने वाली है। आपने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ जो आपने वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए हैं। और 10 साल में सिर्फ टकराव की राजनीति हुई है, प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया, विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए ये चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करने का चुनाव है, ये चुनाव देश में बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव अहंकार को खत्म करने का चुनाव है और यहाँ पर सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। मोदी जी ने कल वादा किया है कि तीसरी बार जब उनकी सरकार बनेगी तो पूरे देश के अंदर बिजली फ्री को लेकर वो लगातार वादा। वादे पूरे भी तो हों, वो तो 14 में भी किया था, 19 में भी किया था, वो बात करें 2047 की, 10 साल में क्या किया? क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं? नोटबंदी आपने क्यों की? 3 काले कानून बनाए थे। और मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि कांग्रेस वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों के अंदर। तो हम लोग तो मुद्दे की एक ऑल्टरनेट रोडमैप देने की बात करते हैं, वो जुमलों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम लोग किसान की, नौजवान की, श्रमिक की, महिला की बात करते हैं। और आज बाड़मेर से जो हवा फैल रही है पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ से हम जीत कर जाएंगे। सर, इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है कि 25 ऐसे भ्रष्टाचारी नेता थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके खिलाफ 20 केस तो ठंडे बस्ते में डाल दिए, 3 केस है वो बंद कर दिए। तमाम भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी हो, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसको कुचलने का काम किया जाएगा और जैसे पाला बदलेगा उस पर गंगा जल छिड़क के उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा। ये जो जनता भी देख रही है इस बात को, तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें व्यक्ति नहीं, दल और विचारधारा को देख के वोट पड़ेंगे। बांसवाड़ा डूंगर